नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। टू कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम मूविंग टूअर्ड ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाई 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चे अक्सर देख कर इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं, और रिजल्टेंटली इसको सॉल्व नहीं कर पाते। मैं इसको आपको टेक्निकली जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ, वो इस तरह से आप उसको ड्रा करेंगे, हमेशा इसको थोड़ा सा वर्किंग आप कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो मैंने डेस्टिनेशन बना दी, ये कार ए है और ये वाली जो कार बी है, ये वाली कार जो ना इधर मूव कर रही है, ये आ रही है यहाँ इस तरफ मूव करके आ रही है, और ये वाली जो कार है ये इस तरफ आ रही है, टुवर्ड ईच अदर आ रही है। हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है इनका, जो इन्होंने कवर करना है वो 600 किलोमीटर है। अब इसके अंदर जो उसने चीज़ें दी हैं वो अगर आप लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये वाला डिस्टेंस जो मैंने इसको मार्क किया, ये अभी स्टिल टू बी मूव्ड ऑन, ये 123 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस कार ने यहाँ तक मूव किया, ये मैंने ज़्यादा इसका डिस्टेंस शो इसलिए किया है कि ये वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, जो कि मैं स्पीड भी लेता हूँ, इसका स्पीड एक्स है और इसका मैं स्पीड लेता हूँ वाई। जिस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, और जिस गाड़ी का स्पीड कम होगा वो डेफिनेटली कम स्पीड कवर करेगी। इन्होंने जो टाइम यूज़ किया है वो 4.5 आवर्स किया है, 4.5 घंटे इसने लगातार जो है वो ट्रेवल किया है, और इसी तरह इसका भी टाइम जो है वो 4.5 घंटे, इसने भी कवर 4.5 घंटे डिस्टेंस को कवर किया है। यहाँ पे डिस्टेंस वन इसको मार करता हूँ और इसको कहता हूँ डिस्टेंस टू। हमें ये बात पता है कि डिस्टेंस वन प्लस डिस्टेंस टू जो है वो इज इक्वल टू है 600 इज़ द टोटल डिस्टेंस, तो उसमें से 123 अभी भी रहता है जो कि उन्होंने कवर करना है, तो 477 हो जाएगा। एक बात तो हमें यहाँ से ये पता चल गई, और पहले उसने कहा था कि इनकी जो स्पीड्स हैं वो डिफर बाय एक्स माइनस वाई, यानी कि जो एक्स गाड़ी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है बी गाड़ी की स्पीड को माइनस करें तो इनका डिफरेंस 6 आता है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला एक फार्मूला है, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो जो कि डी वन है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, तो स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस
इसका मतलब ये होगा कि 4.5 को मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मेरे पास मिल जाएगा 4.5x, ये डिस्टेंस 1 आ गया। और इस ये वाला जो डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया है वो भी मैं अगर 4.5 को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, दोनों को ऐड करूँ, दोनों डिस्टेंस तो हमें पता है कि D1 और D2 आपस में जब उनको सम अप करते हैं तो आंसर 477 आता है। अब ये 4.5 क्योंकि इसमें कॉमन है, ये इधर जाके 477 के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 मुझे आंसर मिल जाएगा। अभी आप देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 है। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दें, 1 माइनस 1 देन 1 और 1 और ये x और y इज इक्वल टू 6 और 106। ये डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1 और ये माइनस और माइनस फार्मूले में प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अभी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 और 1 1 और माइनस 1 हो जाएंगे, तो 6 × 106 1/2 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 106 को 106 के साथ, तो ये हो जाएंगे 112। और इसी तरह माइनस 1 को 6 के साथ माइनस 6 और 106 तो ये हो जाएंगे 100। अब आप देखें ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर 56 और 50। ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई का आंसर जो है 56 और 50। अब आप देखें जो पहली गाड़ी है जो कि कार ए है उसका स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और कार बी 50 किलोमीटर पर आवर है, इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं दैट इज 6, इसलिए आंसर हमारा ठीक है। लेकिन इसको बाई दूसरा मेथड जो कि हमारे पास क्रैमर रूल है उसको उसके साथ भी अभी इसका सॉल्यूशन बाकी है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है दैट इज 2, अभी यहाँ से मैं ए एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए एक्स के लिए इस 1 और 1 को आप रिप्लेस कर देंगे 6 और 106 के साथ, माइनस 1 और 1 है। और इसी तरह ए वाई के लिए 1 और 1 अपनी जगह पे रहेंगे, ये माइनस 1 और 1 को रिप्लेस कर देंगे अब 6 और 106 के साथ। अभी हमने फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये 6 1 6 हो जाएंगे और माइनस 1 × -1 106 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 112 हो जाएगा। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 के साथ और ये उसमें से माइनस 6 हो जाएगा तो इट विल बी 100। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट और वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एक्स इज इक्वल टू, अब ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास है
112 अपॉन 2, ये y डिटरमिनेंट आपके पास है 100 अपॉन a डिटरमिनेंट 2, x इज इक्वल टू 56 और y इज इक्वल टू 50। अब इसमें एंड में कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सेम है, तो दोनों आंसर्स को हमें टैली कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।